हम लोगों को इतला था कि जैश महमद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया, और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है HM के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, उस उन ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। तो क्या लगता है कि ये जैसे पुलवामा में वो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के, उसी तरह से ये अटैक क्यों होने वाला था? बिल्कुल, यह किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। और क्या NIA अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला है? बिल्कुल, हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं, जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है, लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा।